दिल्ली के बाद अब देहरादून में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की आलोचना वाले पोस्टरों पर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली में लगे विवादित पोस्टर अब देहरादून में खलबली मचा रहे हैं। यहां कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा द्वारा पोस्टर लगाकर पूछा गया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इस तरह कांग्रेस ने कोरोना वैक्सीन को विदेश भेजने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सरकार से पूछने का हक भी सभी का है। यहां की जनता को कोरोना का टीका नहीं लग रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण मोदी सरकार द्वारा विदेशों में वैक्सीन भेज देना भी है, इसलिए ये सवाल हम भी खड़े कर रहे हैं। विरोध नहीं किया, दिल्ली के अंदर कुछ लोगों ने एक पोस्टर चस्पा किया जिसमें लिखा कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश को भेज दी। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है और केंद्र की सरकार ने जब विदेश वैक्सीन भेजा है तो आदमी को जो है प्रधानमंत्री से प्रश्न करने का अधिकार है। ये 135 करोड़ का देश है, यहाँ के लोगों को जो है वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है और देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने चले, वैक्सीन आपने विदेश भेज दिया, तो अगर प्रश्न पूछा तो क्या गुनाह किया है। और राहुल गांधी जी ने यही तो कहा, यदि देश के प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न पूछना गुनाह है तो यही प्रश्न जो है राहुल जी ने भी पूछा है, और अगर उन्होंने कहा कि इसके लिए जेल जाना पड़ता तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और देहरादून में भी हमने पोस्टर नहीं बल्कि हमने फ्लैक्स चस्पा किया है और देश के प्रधानमंत्री से पूछा है कि मोदी जी बताइए हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और अगर ये प्रश्न पूछना गलत है तो जो मर्जी आए सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो कांग्रेस मूक दर्शक बनकर के नहीं रहेगी, लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ मुखर होकर के जो है खड़े होने का। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर आलोचना करने वाले पोस्टर चिपका गए थे। इनमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। दिल्ली में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ऐसे ही पोस्टर दून में लगाकर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को खुली चुनौती दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।